नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष। मुझको अर्बन नक्सल कहा जाता है क्योंकि मैं आम आदमी की बातें सामने लाता हूं, कड़वी सच आपके सामने लाता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं शहादत के बारे में। जब हमारे सैनिक मारे जाते हैं लड़ाई में, तो हम कहते हैं कि वो शहीद हो गए। लेकिन जब सामने वाले के सैनिक मारे जाते हैं, जैसे कि चीनी सैनिक, तो हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं वो मर गए, वो मारे गए। हम उन्हें शहादत का ऑनर नहीं देते हैं, शहादत का इज्जत नहीं देते हैं। ठीक है, समझ में आता है, दुश्मन देश है, हमें समझ में आता है। अब मैं आपसे एक दूसरा सवाल करना चाहता हूं। भारतीय सैनिक हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। अगर किसी इंसान जिसका नाम है सुरेश बाबू मारा जाता है, आर्मी जवान है सुरेश बाबू, और वो मारा जाता है, तो हम शहादत की बातें करेंगे, उन्हें उनका उनके बॉडी को हम तिरंगे झंडे में लपेट देंगे। अगर कोई मुसलमान मारा गया, उसका नाम था, मान लेते हैं, मोहम्मद अफजल, तो क्या उसे भी तिरंगा झंडा नसीब होगा? क्या उसे भी शहादत नसीब होगा? और अगर होगा तो क्यों? क्योंकि आपने CA और NRC के माध्यम से मुसलमानों को तो पराया मान ही लिया था, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को तो पराया मान ही लिया था। आप CA NRC की बातें करते थे, और जो लोग उसके खिलाफ लड़ रहे थे, जैसे कि शाहीन बाग में बैठे हुए लोग, मुंबई बाग में बैठे हुए लोग, लखनऊ क्लॉक टावर पर धरना कर पर बैठे हुए लोग, तो आप कहते थे कि वो तो देश के गद्दार हैं, गोली मारो सालों को। यानी मुसलमानों को एक तरह से अपना नहीं, पराया तो मान ही लिया था, देश भर के लोगों ने मान लिया था, ऐसे मैं समझता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने तो मान ही लिया था, बीजेपी ने तो मान ही लिया था, हमारी भारत सरकार ने मान लिया था। तो अगर मुसलमान सैनिक देश के लिए जान गंवा बैठता है, तो उसे शहीद आप मानोगे या नहीं मानोगे? और एक सवाल इसी से खड़ा होता है कि आपने तो इन लोगों को देश का गद्दार मान ही लिया था, और इन्हीं को नहीं, लिबरल्स सेक्युलर्स को भी देश का गद्दार मान लिया था। आपने मान लिया था कि ये लोग, हम लोग पराए हैं, हमें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों से सवाल करता हूं कि भारत की जीत हमारी जीत होगी या सिर्फ मोदी जी की जीत होगी, और भारत की हार मोदी जी की हार होगी या फिर वो हमारी हार होगी? मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा है कि अगर हम जीतेंगे, अगर कोई अच्छे परिणाम आते हैं, तो वो परिणाम जो है उसका श्रेय मोदी जी को जाएगा, भारतीय सैनिक को नहीं जाएगा, आम आदमी को तो नहीं ही जाएगा। लेकिन अगर हारेंगे, बुरे परिणाम आएंगे, तो मोदी जी इसका परिणाम, इस दुष्परिणाम को हमारे ऊपर ढकेल देंगे। भारतीय सैनिकों ने वीरता से नहीं लड़ा, ऐसे कह दिया जाएगा। भारतीय सैनिकों ने कायरता दिखाई या किसी तरह से ठीक से नहीं काम किया, यही कह दिया जाएगा, बहाने बना दिए जाएंगे। और आम आदमी के ऊपर भी आ सकता है, हम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, ये भी कह दिया जाएगा, लिब्रांडो लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, ये भी कह दिया जाएगा। यानी जीत होगी तो उनकी, हार होगी तो भारत की। तो आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमें देश के जीत में खुशी क्यों होनी चाहिए, जब अपनों ने ही ऐसा काम कर दिया है कि देश निकाला करने की बात कर दिया है, CA NRC से
जो होने वाला था वो देश निकाला ही तो होने वाला था। डिटेंशन कैंप में डालना मतलब देश निकालना देना, यही कहना कि आप भारत के नागरिक नहीं हो, यही है ना। अगर यही है तो हमें क्यों खुशी होनी चाहिए? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, उन सभी लोगों से जो CAA और NRC के समर्थक हैं, और मैं उन लोगों के तरफ से सवाल कर रहा हूं जो CAA और NRC के समर्थक नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि हमें खुशी क्यों होनी चाहिए भारत की जीत में? जब आपने हमें रिजेक्ट कर दिया है, जब CAA और NRC के माध्यम से रिजेक्ट कर दिया है, जब नारे लगाए गए हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जबकि हम भारतीय हैं, हम देश प्रेम करने वाले भारतीय हैं, शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे तिरंगा झंडा लेकर बैठे थे, वो अपने मजहब का झंडा लेके नहीं बैठे थे, वो देश से प्रेम करते हैं। आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, आपने तो कह दिया दिल्ली के इलेक्शन से पहले कि ये लोग आपके घर में आके आपका रेप करेंगे वगैरह वगैरह। यानी आपने हमारे देश के लोगों से ही आप दुश्मनी कर लिया। तो चाइना से हम क्यों डरे भाई? हमें तो आप लोगों से डर लगता है, हमें तो मोदी जी से डर लगता है, हमें तो अमित शाह से डर लगता है, हमें तो भारतीय जनता पार्टी से डर लगता है, हम चाइना से क्यों डरे? सवाल का जवाब दो हिंदुत्ववादी, RSS, भाजपा, अमित शाह और मोदी जी, सवाल का जवाब दो कि हम कौन हैं? आप बड़ी आसानी से कहते थे 130 करोड़ भारतवासी, 130 करोड़ भारतवासी, लेकिन 130 करोड़ भारतवासी में हमें नहीं गिना जा रहा है। जो लिबरल्स हैं, सेक्युलर्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, CAA NRC के विरोध करने वाले जो लोग हैं, मुसलमान हैं, एक्टिविस्ट हैं, और भी लोग हैं, दलित हैं, बहुजन समाज हैं, उनको आप 130 करोड़ में नहीं गिन रहे हो भाई। आप हमें पराया समझते हो। आज किस मुंह से आप हमें देश प्रेम के भाषण दोगे, ये मैं जानना चाहता हूं। मोदी जी, अगर आप में थोड़ी सी भी अकल है तो आप CAA के लिए माफी मांगोगे। CAA और NRC करने की जो बातें करी थी उसके लिए माफी मांगोगे, उसे विड्रॉ करोगे, उसे रद्द करोगे, और अगर नहीं करोगे तो आप किस मुंह से हमारे सामने आके राष्ट्रवाद और देश प्रेम की भाषण दोगे, ये मैं जानना चाहूंगा। क्योंकि अगर आपकी बात सच है तो जब भारत का मुसलमान सैनिक मारा जाता है तो वो शहीद नहीं हुआ, वो सिर्फ मारा गया। जय भारत, जय हिंद।